आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। आग उगलती गर्मी ने दिल्ली में तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड। 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। किसानों के लिए खुशखबरी, इस साल सामान्य से ज्यादा होगी मानसून की बारिश, भारतीय मौसम विभाग ने दी जानकारी। पाकिस्तान की जेल में बंद दो भारतीयों से मिले हाई कमीशन के अधिकारी, जासूसी के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी, आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सीमा पर मिलकर बंकर बना रहे हैं चीन और पाकिस्तान, रडार सिस्टम भी तैनात किए, भारतीय सेना रख रही है पल पल पर नजर। मेरे बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन मुझे इस पर गर्व है, अपने विदाई भाषण में बोले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिमथ। 47 डिग्री में रोड शो और तबीयत खराब का बहाना करके मांगते बेल, अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर कसा तंज। भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने उड़ाई लोगों की नींद, कई राज्यों में रात भर रही बत्ती गुल। एक साल में नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ी, कोई साजिश है क्या, पीएम मोदी ने कही जांच की बात। कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा चीन का चक्कर, मणिशंकर अय्यर के बयान पर मचा सियासी बवाल, भाजपा ने लिया आड़े हाथ। भगत सिंह का चेला हूँ, सारी जिंदगी भी अगर जेल में मुझे रखा जाए तो कोई गिला शिकवा नहीं, बोले केजरीवाल। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने दाखिल की अंतरिम जमानत की मांग की, मां कोर्ट लेकर पहुंची याचिका। चीन ने दुनिया को दिखाया दनादन गोलियां बरसाने वाला कुत्ता, चीन का रोबोट कुत्ता इंसानों की तरह राइफल चलाने में माहिर है। अवैध खनन पर सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद एक्शन में आया प्रशासन, 200 केस हुए दर्ज, 1 करोड़ का लगा जुर्माना। LIC की संपत्ति पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की GDP से भी ज्यादा, 6.46 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को किया पार। राजस्थान के झुंझुनू में किडनी कांड के मामले को लेकर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, ICU से लेकर डॉक्टर चैम्बर सीज। दिल्ली शराब नीति घोटाला में के कविता सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, जारी किया समन। कोहली रोहित के पास वर्ल्ड कप जीतने का आखिरी मौका, चैंपियन बनने के लिए भारत को बड़े बाधाओं को करना होगा पार। शेयर मार्केट में पिछले 2 दिनों से गिरावट का दौर जारी, शेयर मार्केट धर्राम, सेंसेक्स 600 से ज्यादा अंक गिरा। ताला मरांडी के समर्थन में साहिबगंज पहुंचे सीएम मोहन यादव, मांगा भाजपा की जीत का आशीर्वाद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अचानक रद्द किया पंजाब दौरा, लौटे जयपुर। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मध्य प्रदेश से गुजरात भेजी जा रही करोड़ों की अवैध शराब जब्त। कश्मीर की बल्ले बल्ले, 15 मई तक 10 लाख टूरिस्ट पहुंचे, इस साल बन गया नया रिकॉर्ड। गुरुग्राम के बंधवाड़ी कचरा प्रबंधन प्लांट में तेजी से चल रहा है काम, 25.57 मीट्रिक टन कचरा किया प्रोसेस। आखिरी चरण से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के साथ कोई अस्थायी रिश्ता नहीं है, हमारा लक्ष्य फिलहाल BJP को हराना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एयरपोर्ट पर एलायंस एयर की फ्लाइट से उतरे सभी यात्रियों का सामान दिल्ली में छूटा, जमकर मचा हंगामा। पानी बर्बाद करने पर 200 टीम काटेगी चालान, 2000 रुपये का जुर्माना, दिल्ली में पानी की गंभीर कमी, हो जाए सावधान। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने से किया इनकार, कहा स्वीकार्य नहीं। पुणे हिट एंड रन मामले में ब्लड सैंपल बदलने वाले 2 डॉक्टर और चपरासी निलंबित। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बोले, सपा BSP ने वोट लिया, कूलन देवी और अन्य नेताओं को मरवा दिया। आज उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बाबा नीम करोड़ी की करेंगे दर्शन, ट्रैफिक रूट रहेगा डाइवर्ट। सिद्धू मूसेवाला का पोस्टर, किसानों के लिए कांग्रेस का प्लान, लुधियाना रैली में राहुल गांधी ने दिखाए तेवर। मोदी सरकार ने ED कैडर के 11 अधिकारियों को दिया तोहफा, बनाए गए संयुक्त निदेशक। मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, सीएम मोहन यादव के आदेश पर देवास में नर्सिंग कॉलेज सील। सीएम योगी बोले, जो राम को लाए हैं वही दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, कांग्रेस ने किया पलटवार, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करो। बायजूस पर अमेरिका के कर्जदाताओं का आरोप, शेयरों की बिक्री पर लगे रोक, NCLT से किया निवेदन। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा मुस्लिम और क्रिश्चियन को लड़ाना चाहती है BJP।
भीषण गर्मी से स्कूलों बच्चों के बेहोश होने पर गरमाई बिहार की सियासत। तेजस्वी ने सरकार को घेरा तो चिराग पासवान ने बताया अत्याचार। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आएगा तूफान, चलेंगी 60 की स्पीड में हवाएं, मौसम विभाग ने दी राहत वाली खबर। HDFC बैंक ने लिया बड़ा फैसला, अब 100 रुपये से कम UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं आएगा SMS। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे बिताएंगे PM मोदी, 2000 पुलिसकर्मी से लेकर सुरक्षा एजेंसी रखेगी कई निगरानी। PM मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान कार्यक्रम को कांग्रेस ने बताया नाटक, कहा चुनाव आयोग से भी करेंगे संपर्क। राहुल गांधी देंगे मटन पार्टी जिसमें उनकी बहन प्रियंका बनाएंगी खाना, तेजस्वी यादव होगा खास मेहमान। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल और अखिलेश पर तंज, कहा 4 जून को EVM के सिर फोड़ेंगे, अपनी हार का ठिकरा। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट से क्लास 4 कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब 60 साल की उम्र के बाद होंगे रिटायर। कांग्रेस देश को खंडित करने का काम करती है, अय्यर की टिप्पणी पर भड़की BJP। लोकसभा चुनाव के बाद टूट जाएगा आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, अरविंद केजरीवाल ने दिए भविष्य के संकेत। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने इंसान की लाश को बर्फ में दफनाया, आशा किया जा रहा है भविष्य में बनेगी जिंदा करने की तकनीक। पूरी तरह सुरक्षित है स्ट्रांग रूम, EVM और CCTV से छेड़छाड़ के आरोपों को पुलिस ने किया खारिज। ममता बोली मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी, सिब्बल बोले प्रायश्चित करने जा रहे तो अच्छा है, PM कन्याकुमारी में 48 घंटे ध्यान लगाएंगे। एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो रहा है, 30 करोड़ लोगों को रिस्क, WHO की चेतावनी, अपने मन से मत लो दवाइयां। गौतम गंभीर का टीम इंडिया का हेड कोच बनना लगभग तय, जल्द होगी घोषणा, यह पद लिया तो KKR की मेंटरशिप छोड़नी होगी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की मोहलत मांगी थी, अब 2 जून को फिर से जाना होगा जेल। महिला यात्रियों के बगल वाली सीट चुन सकेंगी महिला पैसेंजर, इंडिगो ने ट्रेवल कंफर्ट के लिए शुरू की सुविधा, स्पेशल फ्लाइट सेल का भी ऐलान। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी, 94,280 रुपये प्रति किलो बिक रही है चांदी, 10 ग्राम सोना फिर 72,000 रुपये के पार निकला। नेवी के लिए भारत खरीदेगा 26 राफेल M, चीन से मुकाबले के लिए हिंद महासागर में तैनात होगी, 25,000 करोड़ की डील पर चर्चा आज। PM मोदी ने टेलीफोन कर रूस यूक्रेन की जंग रुकवाई, सासाराम में राजनाथ बोले बत्ती भबकने लगे तो समझो कि लालटेन बुझने वाली है। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी, जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रिलायंस ने रूस की कंपनी के साथ करार किया, रूस नेफ्ट से खरीदेगी कच्चा तेल, रूस की करेंसी रूबल में करेगी पेमेंट। नवाज शरीफ बोले पाकिस्तान ने मेरे वाजपेयी के बीच हुआ समझौता तोड़ा, ये हमारी गलती थी, 1999 में लाहौर एग्रीमेंट के 2 महीने बाद कारगिल युद्ध हुआ था। लखनऊ में बड़ा मंगल पर बड़ा भंडारा, सुबह से लगी कतार, पूरी सब्जी के साथ दिया जा रहा है आम का शरबत,